हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के बारे में। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के दो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। दूसरा पॉइंट, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो आपने जान लिया दो पॉइंट्स, तो इसको याद कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।